नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को पता चल गया कि वेब फॉर्म 12 वो फ्री में आ गया है दोस्तों, उसका फ्री वर्जन। तो आज उसका हम इंटरफेस को समझेंगे और ये छोटा सा ट्यूटोरियल होगा। ऑलरेडी मैंने वेब फॉर्म 11.5 का जो इंटरफेस था उसके ऊपर एक ब्रीफ ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। वेब फॉर्म 11.5 एंड 12 का जो इंटरफेस है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है दोस्तों, करीब करीब सेम ही है। मतलब वो वीडियो देखने से भी आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कैसे आप वेब फॉर्म 12 का जो इंटरफेस है उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे उस ट्यूटोरियल को देख के। तो इसमें हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम ओवरव्यू जानेंगे। अगर आपको डिटेल्स में समझना है दोस्तों तो वो वाला वीडियो प्लीज़ आप देख लीजिए, तो फिर ये वीडियो देखने से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक रिपीट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम नया प्रोजेक्ट खोल लेते हैं और नया प्रोजेक्ट खोलने के बाद हम लोग उसका इंटरफेस को समझते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरफेस खुला हुआ है। ये वेलकम स्क्रीन है दोस्तों और ये नीचे आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर देखिए न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। इस न्यू प्रोजेक्ट में आपको आना है दोस्तों और न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद आप इसको करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों, एक वेलकम एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपका प्रोजेक्ट का जो नेम है वो प्रोजेक्ट का नेम आपको देना पड़ेगा। मैं इसको 12 TEST दे देता हूँ और इसका जो लोकेशन है लोकेशन को मैं चेंज करूँगा, इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन में मैं नहीं रखूँगा इसको। चलिए, इसको मैं ई ड्राइव में सेव करता हूँ और यहाँ पर न्यू फोल्डर दे देता हूँ एक, राइट क्लिक न्यू फोल्डर WAVEFORM वेब फॉर्म 12 प्रोजेक्ट्स PROJECTS प्रोजेक्ट्स, बस इसको सिलेक्ट करना है। सिर्फ सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर चेंज हो गया दोस्तों। अब इसको हम जैसे ही क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक कर देंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पीछे मेरा जो ये चल रहा है दोस्तों, जो मेरा फेस है, इस फेस के पीछे दोस्तों ब्राउज़र है, ये आपको पुराना वाला ट्यूटोरियल में आपको दिख जाएगा। यहाँ से ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है दोस्तों, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता तो अच्छा होता। तो यहाँ पर ये ब्राउज़र सेक्शन है दोस्तों और यहाँ पर ब्राउज़र सेक्शन में जाके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चले जैसे मैं पिक्चर्स में जाऊँगा तो ये देखिए चेंज हो रहा है, सैम्पल्स में जाऊँगा तो ये सैम्पल्स चेंज हो रहा है, ट्रैक्स में जाऊँगा तो ट्रैक्स कुछ नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो ये प्लगइन्स में जाऊँगा तो बहुत सारे जितने सारे प्लगइन्स मेरे PC पे इंस्टॉल है सबको यहाँ पर दिखाएगा दोस्तों। तो ये ब्राउज़र सेक्शन है, ब्राउज़र सेक्शन को आप यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, मैं नहीं काटूँगा इसको। और ये जो दाईं तरफ है दोस्तों ये ट्रैक का प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों, मतलब यहाँ पर आपको जो ट्रैक का जो ट्रैक के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वहाँ यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ये फेडर्स है दोस्तों, मतलब मास्टर वॉल्यूम है, मास्टर वॉल्यूम नहीं मतलब उस ट्रैक का वॉल्यूम है दोस्तों। यहाँ पर ये म्यूट और ये सोलो करने का ऑप्शन है और यहाँ पर जो वॉल्यूम का आपको सिंबल दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम का सिंबल, इस वॉल्यूम का सिंबल में यहाँ पर क्लिक करने से दोस्तों क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है, मतलब इसको एक्सपेंड करना या श्रिंक करना हो तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट देखिए क्या क्या ट्रैक मिलता है, यहाँ पर एक टेम्पो ट्रैक मिलता है, उसके बाद मास्टर ट्रैक मिलता है, उसके बाद मेकर्स मार्कर ट्रैक्स मिलता है, उसके बाद मास्टर ट्रैक मिलता है दोस्तों। और उसके नीचे 8 ट्रैक दिया हुआ है दोस्तों, मतलब आप डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 8 ट्रैक आपको मिलेगा। और केकवॉक का जो ख़ास बात है वो है इसमें कोई भी ऑडियो ट्रैक या फिर मीडी ट्रैक ये अलग से इसको डिफाइन नहीं किया रहता है, आप जिस ट्रैक को उसका इनपुट मोड जब सिलेक्ट करेंगे तो वो वही ट्रैक बन जाएगा। अगर इनपुट मोड आप माइक्रोफोन सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑडियो ट्रैक बन जाएगा दोस्तों, और जब इनपुट मोड आप कीबोर्ड सिलेक्ट करेंगे मतलब उसके ऊपर अगर आप मीडी क्लिप ले लेंगे इंपोर्ट कर देंगे तो वो मीडी ट्रैक बन जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो ये 8 ट्रैक है दोस्तों और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दाएँ तरफ ये एक छोटा सा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ऑप्शन है
ये वाला जो आँखों का सिंबल है, इस आँखों का सिंबल को दोस्तों यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना एक डार्क ग्रे में है दोस्तों और एक ब्लू में है, जो ब्लू ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो पोर्शन आपको आपका विंडो में, मतलब आपका जो इंटरफेस है उस इंटरफेस में वो डिस्प्ले होगा। जो हिस्सा डार्क ग्रे में है वो हिस्सा हाइड रहे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये पियानो रोल क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये पियानो रोल आ गया है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो पियानो रोल चला जाएगा। ये दोस्तों ये क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, ये मिक्सर आ गया दोस्तों। मतलब मिक्सर को ऑन करने के लिए आपको यहाँ से मिक्सर को ऑन करना पड़ेगा, और ये इसको काट देंगे तो मिक्सर ऑफ हो जाएगा दोस्तों। ये वाला और एक ऑप्शन है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर एक्शन पैनल है दोस्तों। ये एक्शन पैनल आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये एक्शन पैनल है दोस्तों। ये एक्शन पैनल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक्शन लिखा हुआ है देखिए ये वाला। तो ये वाला एक्शन पैनल आप यहां से भी इसको खोल सकते हैं। ये आई बटन में, मतलब आंखों का जो सिंबल है, इसमें क्लिक करने के बाद ये जो ग्रे कलर का डार्क ग्रे में है, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्शन पैनल यहां पर खुल जाता है दोस्तों। इसको ऑफ ही रखते हैं। यहां पर से ये जो ब्राउज़र सेक्शन था, उस ब्राउज़र सेक्शन को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ये देखिए, फिर से आ गया और ये फिर से चला गया है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से दोस्तों ऑन ऑफ करने का सुविधा यहाँ से दिया गया है दोस्तों। तो चलिए, इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। ये जो नीचे एक ये अब नीचे वाला जो सेक्शन है, यही मेन सेक्शन है दोस्तों। इस नीचे वाला सेक्शन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये मैंने उस वीडियो में भी समझा दिया था, वो ब्रीफ था दोस्तों। यहाँ पर से ये आप एरो में अगर क्लिक करेंगे दोस्तों, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आप एरो में अगर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर इस आप एरो में क्लिक करने से दोस्तों ये एक्सपैंड हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए हेल्प मॉड्यूल है और यहाँ पर है एक्शन पैनल। तो ये एक्शन पैनल और हेल्प मॉड्यूल की मदद लेके आप बहुत कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं इंटरफेस को, शॉर्टकट कीज को चेंज कर सकते हैं, वेरियस प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं यहाँ से। बहुत ही, मतलब प्रोग्राम का शॉर्टकट इधर दिया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इसको अगर कोलैप्स कर देंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है। ये अनडू रीडू, ये सेटिंग्स का ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ये लूप्स का ऑप्शन है, मेट्रोनोम का ऑप्शन है। अगर किसी ट्रैक को हम इधर ड्रैग करेंगे, मिडी ट्रैक को, तो ये ऑप्शन ऑन हो जाता है दोस्तों। और ये प्ले पॉज बटन का ऑप्शन है, यहाँ पर से हम मेनली जो टाइमलाइन है उसको प्ले पॉज ये सब कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। यह देखिए, रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। और ये टेम्पो का ऑप्शन है दोस्तों, ये मतलब सी मेजर में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दिखा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत ही काम का ऑप्शन है। पहले ही आपको यहाँ पर ये कर लेना होगा, मतलब बीपीएम को सेट करना होगा। 4x4 बीट में है, सी मेजर में है, और ये टाइम दिखा रहा है आपको यहाँ पर। जब आप प्ले करेंगे तो ये टाइम चेंज होगा दोस्तों। और इसमें बस यही कुछ है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा वन विंडो इंटरफेस है। और वन विंडो क्यों है ये आपको पता चल जाएगा। आप जब किसी क्लिप को, ऑडियो क्लिप हो चाहे मिडी क्लिप हो, आप जब इस ट्रैक के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो उसी हिसाब से ये जो पैनल है दोस्तों, नीचे वाला जो सेटिंग्स पैनल है, टूल्स पैनल है, इस टूल्स पैनल में बहुत सारे चेंजेस आ जाएगा। मतलब जिस चीज़ में आप क्लिक करके रखेंगे उसी हिसाब से इसका जो टूल बार है वो टूल बार चेंज हो जाता है। मतलब आपको अलग से जगह में जाने का ज़रूरत नहीं है, ये इसका खास बात है। जिस पॉइंट में क्लिक किया उसी हिसाब से उसका टूल बार सेट हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। इसको हम जितना डीपली सीखते जाएंगे दोस्तों, इसका जो काम करने का तरीका है, इसका जो वर्क फ्लो है, वो आप समझते जाएंगे धीरे धीरे दोस्तों। तो आज का ये ट्यूटोरियल मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, ये एक ओवरव्यू था वेवफॉर्म 12 के ऊपर। और अगले दिन हम इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड मीडी रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे, कैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग और मीडी रिकॉर्डिंग किया जाता है, और उसके लिए क्या क्या सेटिंग्स करना होगा। मैं दोस्तों एक बार में सारे सेटिंग्स को नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार में सारे सेटिंग्स को दिखा दूंगा तो वो आप एक बार देख लेंगे, तो फिर से जाके जब मैं
किसी भी ट्रैक में, ट्रैक के ऊपर या फिर किसी मिडी के ऊपर या फिर किसी क्लिप के ऊपर काम करूँगा, तो उसके लिए जो सेटिंग्स है वो पहले से सेट किया हुआ रहेगा, तो आपको फिर से जाके वो वाला ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सेटिंग्स को धीरे धीरे माने वर्क फ्लो के हिसाब से सेटिंग्स को चेंज करता जाऊँगा। जैसे मिडी ट्रैक ले लिया, अब मिडी ट्रैक में कीबोर्ड से मिडी को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए क्या सेटिंग्स है मैं तभी दिखाऊंगा, तो कि आपको तुरंत उसी सेटिंग्स को उसी ट्यूटोरियल के अंदर आपको पता चल जाएगा, आपका दिमाग में वो छप जाएगा दोस्तों, तो वो आसानी से आपका दिमाग से डिलीट नहीं होगा। तो ये तरीका सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इंस्टेंट सीखते जाओ और अप्लाई करते जाओ। तो अगले ट्यूटोरियल में दोस्तों वो हम सेटिंग्स को भी देख लेंगे और कैसे मिडी को और वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसका सेटिंग्स क्या होता है, वो सब देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मुलाकात होगा दूसरे वीडियो में वेवफॉर्म के, और जो लोग इस चैनल में नए हो दोस्तों वो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वेवफॉर्म के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं, और आप लोग आई होप विद इन ए कपल ऑफ मंथ आप लोग वेवफॉर्म में भी आप लोग माहिर हो जाएंगे और काम करने के लिए उतना तैयार तो हो ही जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, दूसरे एक ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।